दिव्यांग का अलग उत्सव हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं। आज भगवान श्री अनादि कल्पेश्वर की नगरी, जहाँ पर राजा नल और दैमन जी ने तप किया, उस पावन नगरी जहाँ साक्षात भगवान राम सिंह जी दरबार के रूप में शंकर के आराध्य देव विराजित हैं, ऐसी दिव्य पावन नगरी में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण देव को पधरावनी करे हुए 93 वर्ष पूर्ण हो चुके। आज 93 वर्ष से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण देव की श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय के अनुसार पुष्टि मार्ग की सेवा अनवरत रूप से ट्रस्ट के सम्माननीय पदाधिकारी गण द्वारा और बजाज परिवार के जो बुजुर्ग की चित्र बड़ी आप देख रहे हैं, इन सबके दिव्य पावन समर्पण से 93 साल से चल रही है और बहुत जल्दी ही परमात्मा की कृपा से आप सबके सहयोग से और नगरवासी जो भगवान के बुजुर्ग यहाँ समर्पित भाव से जुड़े थे नगर के, उनके सहयोग से भगवान का रजत जयंती वर्ष 25वां वर्ष मनाया था, भगवान का 50वां स्वर्ण जयंती उत्सव मनाया था। और ऐसा बताते हैं कि उस समय आलोट नगर केवल यहाँ 18 कोई तक ही था। 1900 भगवान की जो 50वीं वर्षगांठ मनी थी उसमें आलोट में कोई भी घर में चूल्हा नहीं जला था और हमारे परम पूजनीय परम आदरणीय शेर साहब श्री ताराचंद जी मोदी बजाज साहब और पूरे बजाज परिवार ने मिलकर के यहाँ पर स्वर्ण जयंती वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया था पूरे नगर के विप्र बंधु और सब जन के सहयोग से। 1998 में परम आदरणीय श्री शेठ साहब श्री रामगोपाल जी साहब जो ठाकुर जी का बनवाड़ा अवंतिका नगरी से आकर के बनाया है उसमें 56 भोग में भगवान के दर्शन सब आनंद से करेंगे। मावा बाटी महादेव की
मन में आरती बैठी है। आज भगवान श्री लक्ष्मीनारायण देव का 93वां अन्नकूट उत्सव आलोट नगर में आप सभी नगर के विप्रबंध व्यापारी बंधु गणमान नागरिक और पूजा के योग्य मात्र शक्ति के साथ श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारीगण के सानिध्य में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। और बहुत जल्दी ही हम भगवान की 100वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाकर और आलोट नगर का एक इतिहास कायम करेंगे। आप सबका सहयोग ट्रस्ट को इसी प्रकार मिलता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ जीवन की सुख समृद्धि आपकी बनी रहे। लक्ष्मीकांत भगवान की। Thank you.